नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश में 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन का रास्ता साफ हो चुका है। अब तक देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों को ही वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ड्रग्स रेगुलेटर ने 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जायडस कैडिला की जायकोव डी को भी 12 साल से ऊपर के लोगों पर इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब दिल्ली NCR के कई स्कूलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि बच्चों को भी वयस्कों की तरह ही कोरोना का खतरा है, हालांकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होता। फिलहाल देश में 12 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है और 5 साल से ऊपर के बच्चों का वैक्सीनेशन किस दिन शुरू होगा इस बारे में अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। दुनिया भर में जारी कोरोना के संक्रमण ने वैसे तो हर एक आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित किया, लेकिन 2 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद अब भी बच्चों में संक्रमण का खतरा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है और इसकी मुख्य वजह 18 साल से कम की उम्र वालों का टीकाकरण न हो पाना ही है। यही वजह है कि सरकार ने तमाम परीक्षणों के बाद 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर मुहर लगा दी। बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जानी है उनमें बायोलॉजिकल ई की कॉर्बीवैक्स भी शामिल है। इस वैक्सीन की बड़ी खासियत यह है कि यह भारत की पहली स्वदेशी विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि RBD प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। पिछले साल दिसंबर में इस वैक्सीन को एडल्ट्स पर इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई थी। इस वैक्सीन को पारंपरिक सब यूनिट वैक्सीन प्लेटफॉर्म द्वारा बनाया गया है। इसमें पूरे वायरस का इस्तेमाल करने के बजाय स्पाइक प्रोटीन की तरह फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। इस वैक्सीन में कोई नुकसान न पहुंचाने वाले S प्रोटीन होते हैं। एक बार जब इंसानी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम इस S प्रोटीन को पहचान लेता है तो अगली बार यह संक्रमण से लड़ने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। तो ये थी कॉर्बेवैक्स वैक्सीन से जुड़ी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।